पहले तो नॉर्मल ही था, टीचर से थोड़ा सा धुआं ही उठा था, और बाद में सेकंड ब्लास्ट में हम भागने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में तो सभी कुछ खत्म हो गए। वहाँ 6 भैंसे जल गई, गादो भाई जल गई, सबको तो पूरे रोड पर चड्डी भी नहीं बची हमारे पास, तो क्या बताएं सर जी। हमारे बड़े भैया और भाभी की डेथ हो गई, फटाका फूटे और मैं वहाँ थी, वहाँ से मैंने की मेरे बच्चे आग लग गई, भाई भाई तुम क्या होगा कि आग लग गई प्लेटफॉर्म पे, तो मैं भक्ति आई थी, हमको पुलिस वाले ने आन दिए। पूरा जल गया, अंदर अंदर पूरा जल गया, कहीं नहीं ढांचा खड़ा है बस, अब देखते हैं तो क्या स्थिति। पूरी तरह तबाह हो गया, 30 लाख का मकान बना हुआ था, क्या करें वो जान, मकान बना तो उसको 25 साल से रेवास है हमारा यहाँ पे। वहाँ 6 भैंसे जल गई, गादो भाई जल गई, सबको तो पूरे रोड पर चड्डी भी नहीं बची हमारे पास, तो क्या बताएं सर जी। एक चड्डी भी पहनने के लिए नहीं है फिलहाल तो, घर के अंदर तो देखो सारा बेटा चुप हो चुप। उस टाइम में घर पे ही थी, घर के बाहर ही खड़ी थी, हमको कुछ 3 मिनट बाद पहले तो नॉर्मल ही था, टीचर से थोड़ा सा धुआं ही उठा था, और बाद में सेकंड ब्लास्ट में हम भागने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में तो सभी कुछ खत्म हो गए। मेरे को भागने में लाइन का करंट लगा तो मैं पलटी खा के यहाँ गिरा, बोल तो खड़ा हो गया, जो जैसे लाइट चली गई, झटका ही लगा खाली, लाइट चली गई। उस पर हम तो गए था, बाकी घर वालों सभी यहीं पे थे, और अचानक विस्फोट हुआ तो मैं यही मान करके पीछे काम कर रहा था, तो हादसा सुन के मैं आया, मुझे ऐसा लगा कि हाँ हमारा बड़े भैया और भाभी की डेथ हो गई, फटाका फूटे और मैं वहाँ थी, वहाँ से मैंने की मेरे बच्चे आग लग गई, भाई भाई तुम क्या होगा कि आग लग गई प्लेटफॉर्म पे, तो मैं भक्ति आई थी, हमको पुलिस वाले ने आन दिए, मेरा बड़ा छोरा और बड़ी बहू और 4 बच्चे, 1 छोरा 3 छोरी है, मैं स्कूल गए थे तो आ गए, 3 छोरी है, 3 2 बड़ी है, 1 छोरा 3 लड़की है मेरे छोरा की, बेटा बहू दोनों मेरे, ये दो मेरे हैं, ये छोटे हैं दोनों, बड़ा बहू बेटा दो ही सांस हो गए, 4 बच्चे 1 छोरा 3 छोरी है, इनको कहा जो फोन आता नहीं हमको, कुछ बुढ़े आदमी ये काम पे गए तो हम इधर बाहर रोड पे, ये भी आता है भैया दूर रहता था वहाँ।